Very good morning, student. How are you all? Hope so all you are doing well at your home. Student, I am sending the answer key in your worksheet, so please copy down your answers very neat and beautiful handwriting and try to do not mistake it. We'll continue our chapter, What, Where, How and When. The topic is finding about the past. Okay, अब हमें past के बारे में कैसे पता चलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. First of all, we'll study about manuscripts. Manuscripts क्या होती हैं? देखो students, books written long ago, they are handwritten. Manuscript comes from the Latin word manu, means hand. They were usually written on palm of leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch, which grown in Himalayas. Okay, manuscript होता है students जो हैंड रिटन लिखा जाता है, मतलब हाथों से लिखा जाता है. मनु जो वर्ड है वो हमारे लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हैंड. एंड इट यूज इज यूजली रिटन ऑन द पाम ऑफ लीफ. लीफ जो पाम लीव्स होती हैं उन पे लिखी जाती है. और स्पेशली जो बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क जानते हैं पेड़ों की छाल जो होती है, पेड़ों की छाल जिसमें कि ब्रिज एक स्पेशल ट्री है, उसकी ब्रिज जो है ये स्पेशल ट्री है, इसकी छाल को ब्रिज कहते हैं जो कि हिमालय में मिलता है. तो मोस्टली ये जो बार्क ऑफ ट्री और ब्रिज है उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं. ओके, आर दिस मैन्युस्क्रिप्ट स्टिल देयर? क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट आज भी हमारे पास है? मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन बाय द इंसेक्ट. स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू दैट इट इज रिटन ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, सो दीज आर वेरी प्रेशियस, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड. तो ये क्या होता है, इंसेक्ट्स, कुछ जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स के थ्रू खा ली गई हैं एंड सम वर डिस्ट्रॉयड, बट मैनी वर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज. ठीक है, लेकिन बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हमारे टेम्पल्स में और मॉनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा गया है. जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा गया है. और उनमें क्या लिखा जाता था स्टूडेंट, रिलीजियस बिलीव, जो उस समय लोगों के धार्मिक विश्वास हुआ करते थे, जो प्रथाएं वहां उस समय चलती थी उसके बारे में लिखा गया है. द लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस, एपिक्स, पोम्स एंड प्ले. एंड बाय दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वी कम टू नो अबाउट द लाइफ्स ऑफ किंग, उस समय के राजाओं की लाइफ स्टाइल, मेडिसिन, व्हाट द मेडिसिन दे यूज, अबाउट द साइंस, एपिक्स, पोम और प्ले के बारे में हमें पता चलता है. मैनी ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड पाली लैंग्वेज. ठीक है, जो लैंग्वेज मोस्टली रिटन राइटिंग के लिए यूज करी गई है स्टूडेंट, वो संस्कृत है, प्राकृत है और पाली लैंग्वेज है. यू कैन सी अ वन पिक्चर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट हियर इन योर बुक ऑल्सो. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बार्क ऑफ ट्री है जिसके ऊपर लिखा गया है. और ये देखिए आप, इस तरीके से ये हैंड रिटन होती हैं. ठीक है, तो ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है. ओके, स्पेशली ये किस, कौन से बार्क ऑफ ट्री पे लिखी जाती है, ब्रिज पे. ठीक है, दिस इज अ स्पेशली रिटन ऑन दिस ब्रिज. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ विल कम टू द नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर इंस्क्रिप्शन रिटन इनग्रेव्ड. इनग्रेव्ड मीन्स होता है खुदावा होना या लिखा होना, खुदा होना. ऑन है हार्ड सरफेस. ठीक है, ये क्या है, इससे ये हिस्ट्री का एक ऐसा सोर्स है जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा गया है, जैसे कि स्टोन हो गया, है ना, मेटल हो गया, पत्थर हो गए, पिलर्स हो गए, उस पे लिखा गया. जैसे अशोक का, अशोक की पिलर आपने देखा, अशोक का पिलर, तो उस पे जो अशोक के जितने भी ऑर्डर्स थे वो सब इंग्रेव्ड हुए हुए हैं. ठीक है, व्हाट डिड दे राइट, ऑर्डर्स ऑफ किंग. देखो मैंने आपको बताया है कि इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है, राजा जो उस समय राजा अपने ऑर्डर्स लिखते थे या उनके जो आदेश होते थे, जो उनकी प्रजा को फॉलो करने होते थे, वो सारी चीजें उस पर इंग्रेव्ड होती थी. लाइफ ऑफ द पीपल, वहां के लोगों का जो लाइफ स्टाइल था उसके बारे में लिखा जाता था. किंग, क्वीन एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, और जिन जिन जगहों पर वो बैटल में, युद्धों में जीता करते थे, विक्ट्रीज होती थी, उनके बारे में भी सब रिकॉर्ड्स जो है वो इंस्क्रिप्शन पे लिखा जाता है. स्टूडेंट, इंस्क्रिप्शन जो है वो लॉन्ग टर्म है, मतलब वो हार्ड सरफेस पे लिखे गए हैं, इसलिए ना तो वो खराब हुए हैं और ना ही वो इंसेक्ट्स के थ्रू खाए गए हैं. जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो हैंड रिटन है और पाम पे लिखी गई है, तो वो डिस्ट्रॉय भी हो गई है, बट इंस्क्रिप्शन जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए है. यू कैन सी वन पिक्चर ऑफ योर इंस्क्रिप्शन हियर इन योर बुक चैप्टर ऑल्सो. लुक एट हियर, यस, ये देखो, ये इस तरीके से इंग्रेव्ड होता है. इंग्रेव मीन्स खुदाई करना या खुदावा होना किसी चीज का, है ना. तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शन रेडी हुआ करते थे पहले के टाइम पर. ठीक है, तो क्या डिफरेंस मिला, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती है वो हैंड रिटन होती है पाम लीफ पर, और
इंस्क्रिप्शन भी हैंड रिटन होता है बट इट इज रिटन ऑन द हार्ड सर्फेस जस्ट लाइक अ स्टोन पिलर्स मेटल्स. नाउ वट आर द अदर थिंग्स हाउ वी कम टू नो अबाउट द पास्ट. देखो इंस्क्रिप्शन और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो तो राजाओं के और लाइफ स्टाइल्स पे लिखे गए हैं, बड़े लोगों के लाइफ स्टाइल पे लिखे गए हैं, लेकिन कॉमन पीपल का लाइफ स्टाइल हमें कैसे पता चलेगा. तो उन लोगों का लाइफ स्टाइल जानने के लिए हम लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इनकी स्टडी करते हैं. अदर देन इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट देयर आर मेनी अदर सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री. रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स टूल्स वेपन पॉट्स पैन ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स एक्सप्लोरेशन एंड एक्सक्रेशन. एक्सक्रेवेशन मीन्स जानते हो खुदाई करना, ठीक है. तो खुदाई में बहुत सारी चीजें मिलती हैं जैसे बिल्डिंग्स के खंडर मिल गए या पेंटिंग्स हो गई, है ना, स्कल्पचर्स हो गए. स्कल्पचर्स मीन्स जानते हो मूर्तियां, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, पॉट्स पैन ऑर्नामेंट्स आभूषण. कॉइन के थ्रू हम लोगों को पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. दोज हु स्टडी दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. और जो इन सब चीजों की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, उन पर्सन को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, मेनली इन सब चीजों के बारे में स्टडी करके हमारे अपने पास्ट के बारे में जानना. पॉट फॉर्म एंड ओल्ड पॉट लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो. अब देखो स्टूडेंट्स, आपके बुक में एक पॉट भी दिखा रहे हैं, है ना. ये पॉट आपने देखा है आजकल भी यूज होता है, लेकिन आजकल सिर्फ हम बहुत रियल लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन पुराने टाइम में यही पॉट्स यूज हुआ करते थे, क्योंकि उसमें उस समय हमारे पास स्टोरेज के लिए कुछ सामान नहीं होता था. तो जितने भी जैसे हमें ग्रेन्स स्टोर करना होता था या पानी स्टोर करना होता था, कुछ भी चीज हम अगर स्टोर करते थे तो इन्हीं पॉट्स में करते थे. और इनके ऊपर पेंटिंग्स भी की जाती थी, सो दैट कि इन पेंटिंग्स के थ्रू भी हम वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में पता कर सकते हैं. ओके, नाउ कॉइन्स यू ऑल्सो कैन सी द कॉइन्स हियर, है ना. देखो ये कॉइन्स हैं. आप कहोगे आज ये कॉइन्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉइन्स तो बिल्कुल इससे डिफरेंट है. स्टूडेंट्स, आजकल के जो कॉइन्स हैं वो गिलेट जो मेटल होता है उससे बनते हैं, लेकिन जो पुराने कॉइन्स हुआ करते थे वो सिल्वर और गोल्ड के हुआ करते थे. तो इन देखो इन कॉइन्स पे भी कुछ ना कुछ, है ना, आर्ट बनी हुई है, कुछ ना कुछ इंग्रेव्ड हुआ हुआ है. तो इन चीजों से भी हमें उनकी लाइफ स्टाइल और पास्ट के बारे में बहुत सारी चीजों का पता चलता है. और ये सारी स्टडी जो है वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो करते रहते हैं, ठीक है. इन व्हाट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे. देखो ये कॉइन्स जो है वो हमारे आज जो हम यूज करते हैं उन कॉइन से बिल्कुल डिफरेंट है, है ना. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल बर्ड्स एंड फिश. अब आप ये कहोगे कि ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो एनिमल्स की और बर्ड्स की बोन्स और फिश की बोन्स की क्या स्टडी करते हैं और क्यों करते हैं, तो ये भी देखते हैं. दे फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट. इससे वो ये पता लगाते हैं स्टूडेंट्स कि वो लोग जो हैं पास्ट में, मींस हिस्ट्री के जो लोग थे पास्ट के, एशियन टाइम के जो लोग थे, वो क्या खाते थे. रिमेन्स ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्स रियली. जो उस समय के प्लांट्स होते हैं वो तो बहुत ही रेयर बचते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में और इतने सालों तक नहीं रह पाते, इसलिए वहाँ के खाने पीने की जो भी पता चलती है वो इन बोन्स से ही पता चलती है एनिमल्स के. आर्कियोलॉजिस्ट आर द डिटेक्टिव्स. डिटेक्टिव्स आपको पता है जासूस कहलाते हैं. यस, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट भी जो हैं वो एक जासूस की तरह ही काम करते हैं. स्टूडेंट, दे यूज सोर्सेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री बिट बाय बिट. आर्कियोलॉजिस्ट यूज ऑल दिस रिसोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट. यस, वो बिल्कुल डिटेक्टिव्स की ही तरह काम करते हैं. आप उनको एक तरीके से डिटेक्टिव ही कह सकते हो. वो इन सब मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस के बारे की स्टडी करते हैं और हमारे को हमारे पास्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं. होप सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक शुड बी क्लियर टू यू. एंड वट एवर द योर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड द वर्कशीट, यू कैन सेंड द क्वेरीज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, थैंक यू वेरी मच.